आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, जो आसानी से चल फिर भी नहीं सकते हैं। और जब सीढ़ी चढ़ने का नंबर आता है या उनको कोई स्टेयर किसके ऊपर जाना पड़ता है उस सामान को लेकर के, तो उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दौड़ने के बारे में तो वो केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, वो जब चल ही नहीं पाते तो दौड़ेंगे कैसे। पहले ये समस्या आती थी उन लोगों को जो 50-60 साल के हो जाते थे, लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं 30-35 साल के जो व्यक्ति हैं उनको भी चलने में तकलीफ है, उनके भी घुटनों में दर्द रहता है, वो भी जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आप कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको हर आदमी आराम से कर सकता है। जब भी हम किसी समस्या के बारे में यूट्यूब के ऊपर वीडियो तलाश करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने बहुत कठिन किस्म की जो योगा अभ्यास है वो आते हैं जिनको हम कर नहीं पाते, लेकिन जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सिंपल है, वो हर व्यक्ति कर सकता है, उसको कितना ही दर्द है वो भी कर सकता है। और आज के वीडियो में तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूं जो घुटने के दर्द के कारण नीचे ही नहीं बैठ पाते, इसलिए कुर्सी के ऊपर बैठ करके ये अभ्यास उनको करने के लिए मैं बताने वाला हूं। इन एक्सरसाइजों के करने से हमारे पैरों की, घुटने की, एंकल की, पंजे की, हर जगह की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, एक्टिवेट होंगी और हर प्रकार के दर्द से हमें छुटकारा मिलेगा। जो घुटने में दर्द होता है ग्रीस कम हो जाने के कारण से वो भी कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, कैल्शियम की कमी भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो इन एक्सरसाइजेस को आज आपने बड़े ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आखिर तक आपने ध्यान से देखना है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं आपकी सेहत को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाता रहता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये घुटनों के दर्द का कारण क्या है। इनका कारण है हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल। पहले सारे काम हम फिजिकली करते थे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। महिलाओं के बारे में देखिएगा, वो दिन में कड़ी मेहनत करती थी, चाहे वो फर्श के ऊपर पोछा लगाने का काम हो, चाहे कपड़े धोने का काम हो, चाहे बर्तन धोने का काम हो, या अपने घर के अंदर ही चक्की के द्वारा आटा पीसने का काम हो, जो महिलाएं हैं वो पूरी मेहनत करती थी। अब कोई फिजिकल काम नहीं करते, हर चीज के लिए मशीन आ गई भाई। कपड़े धोने के लिए भी मशीन है, बर्तन धोने के लिए भी मशीन है, अपने फर्श को साफ करने के लिए भी मशीन है। तो जब मशीन काम करेगी तो हमारा शरीर तो एक्टिविटी करता ही नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में लाइफस्टाइल की समस्याओं के कारण से बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई है। उन्हीं में से है हमारा घुटने का दर्द। इस घुटने के दर्द के पीछे एक बड़ा कारण है वजन का बढ़ जाना। यदि आपका वजन आपके नॉर्मल वजन से 1 किलो ज्यादा है तो आपके घुटने के ऊपर 10 किलो फोर्स पड़ता है। अब आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि हमारे देश में आधे से ज्यादा व्यक्ति नॉर्मल से मोटे हैं, तो इसलिए उन सबको घुटनों की समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो नीचे बैठने में समर्थ नहीं है, जिनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है। घुटनों के लिए नीचे बैठ करके बहुत अच्छी एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आप कुर्सी के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुर्सी की आवश्यकता है जिसमें हैंडरेस्ट हो पीछे, जिसके अंदर हम पीठ लगा सके, इसमें पहिए नहीं होने चाहिए, ये स्टेबल होनी चाहिए। इसके ऊपर हमें आराम से बैठना है इस प्रकार से, थोड़ा पीछे होकर के, कि आपकी जो पीठ है उसको रेस्ट मिल जाए, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे अपने घुटनों के लिए। पहली एक्सरसाइज में हम अपने दोनों पैरों को मिलाकर के यूं ऊपर उठाएंगे और अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे, देखिए इस प्रकार, आगे पीछे, ये 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट जो है
ये हमने अपनी उंगलियों से छू करना है। वापस पैरों को नीचे रख दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर देखिएगा, दोनों पैरों को मिला के थोड़ा ऊपर उठाएंगे, कमर पीछे लगी हुई आराम से, और अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे। इससे हमारे अंगूठे और उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा, और जहां भी ब्लड ज्यादा मात्रा में जाता है वो वहां पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, पूरी मात्रा में वो वहां भोजन पहुंचा देता है, तो वहां की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक मसल सब जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लग जाती है। वापस अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, अब टखने के लिए, एंकल के लिए। इसमें हम अपने एक पैर को ऐसे करेंगे और अपने पंजे को आगे स्ट्रेच करेंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे, आगे भी और पीछे भी। देखिए ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसमें जो आपका टखना है, जिसके अंदर बहुत से लोगों को दर्द होता है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसमें उसके अंदर जो स्टिफनेस है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा वो। और इसके साथ में जो ये मसल्स हैं पिंडली की जो मसल्स हैं, काफ मसल जो हैं, ये भी रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार देखिए ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रेस्ट। फिर दूसरे पैर से फिर आगे, इसको भी आगे और पीछे, आगे पीछे। इस प्रकार से देखिए आगे पीछे। अब आराम से बैठे हैं, रिलैक्स मोड में है बिल्कुल, और ये फिर रुक जाइएगा। देखिए दो एक्सरसाइज की, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पैरों को जमीन के ऊपर चलाएंगे ऐसे ऐसे, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम टैप करते हैं ऐसे। आपने महसूस किया होगा जब आप पैरों को इस प्रकार चला रहे हैं तो आपको पैरों के अंदर एक झनझनाहट सी महसूस हो रही है। एक्चुअल में वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, जो सेंसेशन आपको अच्छी सी लग रही है वो है कि आपको रेस्ट मिलना शुरू हो गया है। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दोनों पैरों को मिला करके सीधा करेंगे और दोनों पंजों से एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे किया, दोनों पंजे आगे, दोनों पंजे पीछे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। वापस हमारे एंकल्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इनको हम गोल गोल घुमाएंगे, एक पैर को ऊपर उठाइए, इस पंजे को इस प्रकार से, जैसे हम इसको अब क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। देखिए इसको रोटेशन दे रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको। इसी प्रकार दूसरे पंजे को लेकर के आराम से देखिएगा, इस प्रकार से हम इसको घुमाएंगे एक दिशा में, फिर इसको घुमाएंगे दूसरी दिशा में, इस प्रकार से वापस। अब दोनों पंजों को मिला के उठाइए और एक दिशा में घुमाइए पहले, तो दोनों को मिला करके फिर दूसरी दिशा में घुमाइए वापस। इसके बाद में फिर पैरों को इस प्रकार से एक बार चलाइए। ये एक्सरसाइज आपको बीच बीच में करते रहना है। ये एक्सरसाइज आपके सारे पैर को रिलैक्स भी करेगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगी। देखिए हमने अपने पैर की उंगलियों को रिलैक्स किया, उनकी एक्सरसाइज करवाई, फिर टखने की एक्सरसाइज करवाई। अब हम इस ये जो मसल्स हमारे काफ मसल्स हैं, इनके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए हम इस प्रकार बैठे हैं, अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए और नीचे डाल दीजिए ऐसे, ऊपर उठाया नीचे डाल दिया। जब आप ऊपर उठाएंगे तो जो हमारी काफ मसल्स हैं
वो काम कर रही हैं, उनमें खिंचाव हो रहा है, उनकी एक्सरसाइज हो रही है, इस प्रकार से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते रहिएगा। इसको एडियो को ऊपर उठाइए, नीचे डालिए, ऊपर उठाइए, नीचे डालिए। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में आप अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए आप इस प्रकार से कीजिएगा, आपको डबल फायदा होगा। रिलैक्स भी हो जाएंगे और ये मसल्स भी मजबूत हो जाएंगे। यदि मसल्स मजबूत हो गई तो दर्द होना बंद हो जाएगा। बस ये जो एक्सरसाइज है आप मसल्स के लिए जो आप कर रहे हैं, ये आपको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करनी है। अब हम अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। उसी प्रकार से बैठ जाइए, पीछे पेट लगा करके एक पैर को धीरे से उठाएंगे सांस भरते हुए और सीधा कर देगा। उसमें से सांस भरते हुए उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाया और सांस को छोड़ते हुए नीचे लेंगे। फिर देखिए ऐसे, इसको ऐसे तेजी से नहीं हिलाना है, तेजी से हिलाने पर तो हमारे घुटने इंजर हो जाएंगे। आराम आराम से सांस भरते हुए ऊपर लेके आए, सीधा किया और वापस नीचे ले गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। शुरू में 5-10 बार, फिर 20 से 25 बार, 50 बार भी आप इसको एक बार में कर सकते हैं। दूसरे पैर से यही अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे इस प्रकार करना है। यही एक्सरसाइज हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। देखिए इस प्रकार सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। कुछ क्षणों के लिए होल्ड करना भी शुरू कीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर नीचे। अब अपने पैरों को फिर टैप कीजिए, आप ऐसे इस प्रकार चलाइए, एक और एक्सरसाइज मैं आपको घुटनों के लिए बता रहा हूं। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाइए घुटने के नीचे, अंगूठों से आप अपने घुटने को सपोर्ट दीजिएगा, जिससे मान लो इसमें कोई दर्द है तो वो आपको तकलीफ ना दे, और अपने पंजे को आप ऐसे चलाएंगे आगे पीछे, आगे पीछे। देखिए आगे जाते हैं तो पंजा भी आगे जा रहा है, पीछे आते हैं तो पंजा भी पीछे आ रहा है। ध्यान से देखिएगा इस बात को, इस प्रकार से, फिर विपरीत दिशा में ऐसे इस प्रकार से चलाएंगे इसको। यही एक्सरसाइज दूसरे पैर से भी करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के नीचे, अंगूठे दोनों घुटने के दोनों तरफ, अपने पैर को यूं चलाएंगे आगे ऐसे। देखिए आगे जाता है तो पंजाबी आगे, पीछे आता है तो पंजाबी पीछे ही, और लास्ट में फिर अपने पैरों को इस प्रकार से जमीन के ऊपर चलाइए, इस प्रकार टैप कीजिए। आपको ये आज की आसान सी एक्सरसाइज कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए। और यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ योगासन करना सीखें, योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, तो मैं स्क्रीन पर यहाँ एक नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको योगा क्लास के बारे में सारी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। और आप बड़ी आसानी से जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर योगा क्लासेस को अटेंड करके अपने आप को पूर्ण रूप से
स्वस्थ कर पाएंगे। आज के वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।